हाय गाइस, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आज बात करने वाला हूँ द एंट मैन एंड द वैप्स क्वांटमेनिया। ये फिल्म मैंने देख ली है और आपको बताऊंगा, अगर नेचुरल में आपको बताऊं यार इस फिल्म के बारे में, स्टार्टिंग में ही समराइज कर दूं तो ये फिल्म पार्ट वन, जो एंट मैन के पार्ट वन और पार्ट टू आया है, मैं कहूँगा कि यार ये सबसे बेस्ट मूवी है एंट मैन की। बट अगर मैं और जो क्लासिक मार्वल फिल्म्स हैं अगर उनसे कंपैरिजन करूँगा तो यार उसके आसपास भी नहीं टिकती है। इसकी कहानी की शुरुआत करूँ गाइस, कहानी शुरू होती है स्कॉट लैंग से, कैसे पूरी फैमिली क्वांटम रेल में जाके पहुँच जाती है और वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है कैंग द कॉन्करर का। जोनाथन मेजर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल किया है इसमें। बट यार मुझे वो मेनस वाली फीलिंग जो थानोस को देख के आई थी, क्योंकि मार्वल इसे कोशिश कर रहा है नेक्स्ट बिग विलन दिखाने की, बट जोनाथन मेजर्स ने रोल अच्छा किया है, बट गाइज वो फीलिंग मुझे नहीं आई। जो थानोस से डायरेक्टली अगर मैं कंपेयर करूँ, वो फीलिंग मुझे मिसिंग लग रही थी। वो पता नहीं यार, वो एक जो डर होता है ना, वो क्रिएट नहीं हुआ है फिल्म देखते हुए। अगर बिगर नैरेटिव की बात करूँ तो ये एक एमसीयू की इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है आगे जाके, किस तरह से जो कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है, तो वो तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। बट यार बाकी इसमें जो और कैरेक्टर्स थे, जो एंट मैन का कैरेक्टर था, जो कैसी का कैरेक्टर था, वो भी डिसेंट था और इसमें कॉमेडी भी है, फन भी है, एक्शन भी है, मज़ा पूरा आएगा आपको इस फिल्म को देखते हुए। अगर आप नॉर्मल एक फिल्म गोअर हैं जिसे फिल्म देखना पसंद है, आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी, मज़ा देगी पूरी। और अगर आप ट्रू फैन हैं तो थोड़ा आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस फिल्म को देखते हुए। एंड CGI यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल की एक बड़ी मेगा बजट फिल्म है तो CGI में कोई मुझे खास कंप्लेंट नहीं थी। अब पता क्या हो गया है कि मार्वल से हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ दे दिया हमें, इतना कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो उनके लिए भी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना हर फिल्म में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसी, अगर ये फिल्म देख लिया तो आपको कैसी लगी, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूँ फिल्मी मैन और मेरा चैनल का नाम है फिल्मास्त्रवर्स। बाय बाय।